समृद्ध योजना के तहत बच्चों को दिए जाने वाले सोया मिल्क के वितरण में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। मामला दुर्ग के कुम्हारी स्कूल का है, जहां कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों को दिया जाने वाला सोया मिल्क दूध एक्सपायरी डेट से पहले खराब हो रहा है, जिससे बच्चों को मिलने वाले पोषण आहार पर सवाल खड़ा हो गया है। जिला शिक्षा अधिकारी की माने तो जिले में समस्या आ रही है। सप्लायर को निर्देश देकर गुणवत्ता वाला सोया मिल्क फिर मंगा लिया जाता है, वे खराब दूध फेंक दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि खराब दूध पीने से अगर बच्चे बीमार हो गए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? पैकेट खुला रहता है और दूसरा खोलने पे एकदम स्मेल बहुत गंदा आता है। तो सभी स्कूलों में, सभी संकुलों में निर्देश दिया गया है कि इस प्रकार की कंडीशन में मिल्क मिलते हैं तो उसका उपयोग ना किया जाए, उसको नष्ट किया जाए। और कितने लीटर नष्ट कर रहे हैं उसको दर्शाते हुए पावती दी जाए, ताकि भुगतान के समय उतने लीटर के पैसे काटे जा सके। तस्वीरें दुर्ग की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्कूल में बच्चों को मुख्यमंत्री अमृत योजना के तहत बच्चों को सोया मिल्क दिया जाता है, जिसमें गंभीर लापरवाही यहां पर बढ़ती जा रही है। और जो सोया मिल्क बच्चों को दिया जा रहा है वो एक्सपायरी डेट से पहले ही खराब होने लगता है, उसमें बदबू आने लगती है, बच्चों को बीमारी लग सकती है, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। और लगातार शिकायत भी की गई है कि ये जो एक्सपायरी डेट से पहले दूध खराब हो रहा है, क्यों हो रहा है, पर यहाँ पर कुछ भी चीजें निकल करके सामने नहीं आ रही हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रकांत देवांगन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रकांत, लगातार सरकार अलग अलग योजनाएं चला रही हैं, कभी हम देखते हैं मध्याह्न भोजन में कोई गड़बड़ी होती है, अब दूध की बात कर ले, यहाँ पर बच्चों को दूध दिया जाता है उसमें भी गड़बड़ी, आखिर ऐसी लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? देखिए, बताना चाहूंगा कि मध्याह्न भोजन के बाद सरकार ने चाहा कि जो बच्चों का कुपोषण से दूर करने के लिए योजना चलाई जाए, तो उसी के तहत जो सोया मिल्क जो है बच्चों को दिया जाने लगा। और सोया मिल्क का जब बच्चों को दिया जाने लगा तो एक एग्रीमेंट हुआ बीज निगम से, जो सोया मिल्क बनाने वाली कंपनी उसने सप्लाई का पूरा काम दिया और वो रायपुर से यहाँ तक जब सप्लाई करते हैं, कुमारी क्षेत्र में इसकी सारी शिकायत है कि जब बच्चों ने मिल्क को पीने के लिए किया तो लगभग 10-20% वहाँ पे डब्बे खराब निकले। ये तो अच्छी बात रही कि शिक्षा विभाग ने सोया मिल्क देने से पहले एक निर्देश जारी किए थे कि कोई भी जब मिल्क दिया जाए उससे पहले उसकी जांच कर ली जाए, तो वो बच्चों को पीने से पहले खराब निकल गए। लेकिन अगर किसी कारणवश बच्चे पी लेते तो निश्चित तौर पर एक अनहोनी घटना घट सकती थी, क्योंकि इससे पिछले सरकार में भी देखा गया था कि बस्तर क्षेत्र में कुछ बच्चों ने दूध पिया था जिनकी वजह से उनकी तबियत खराब हुई थी और बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में ही पहुंच गए थे। तो ये इस तरह की लगातार जो है लापरवाही उस शासनकाल में भी उजागर हुई थी और अब वर्तमान में एक बार फिर से सारी चीजें देखने। चंद्रकांत, जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया है ये सोया मिल्क का, क्या उनसे बातचीत हो पाई, उनका क्या कुछ कहना था? एक्सपायरी डेट तो उस पर मेंशन की गई है पर उससे पहले ही दूध क्यों खराब हो रहा है? देखिए, जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया है उस कंपनी से बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन जब हमने जिला शिक्षा अधिकारी से ये बात की तो उनका कहना है कि जब ये ट्रांसपोर्टिंग की जाती है तो जिस पैकेट में दूध आते तो कहीं ना कहीं लीकेज की वजह से उसमें कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि वो एक्सपायरी डेट से पहले ही खराब हो जाती है, या फिर ये भी बात हो सकती है कि एक्सपायरी डेट वो आगे बढ़ा के लिखते हैं और दूध की जो क्वालिटी है वो पहले ही खराब हो सकती है। तो शायद इन सब बातों को लेके बड़ी जांच की आवश्यकता है और इस पर निश्चित तौर पर जिला शिक्षा विभाग को जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए कि वो दूध की क्वालिटी कितने दिन तक चल सकती है और उस एक्सपायरी डेट उस डेट पे मेंशन किया जाता है कि नहीं, क्योंकि कभी ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है कि दूध खराब हो और उस वक्त पता न चले, लेकिन उसका जो बच्चों में रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी डेट अगर पहले की डाल के रखी तो सारी गुणवत्ता की बात, निश्चित तौर पर गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते हैं और इससे बच्चों के जो जीवन है उससे भी खतरे की जो निश्चित तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि जिला शिक्षा विभाग का कहना है कि हमने कंपनी को नोटिस भी दिया है और उनको ये जो अनियमितताएं मिल रही है उनको सुधारने की भी बात कही है। जिला शिक्षा अधिकारी से इस पूरे मामले में बात की और उनके ये भी कहना था लगभग 40% जो है ये दूध आते ही खराब हो जाते हैं, मतलब उनको स्टोरेज किया जाता है, स्टोरेज के दौरान अगर वो हफ्ते भर भी वो दूध रह गया तो निश्चित तौर पर खराब होने की आशंका बनी रहती है। बावजूद जिला शिक्षा विभाग जो फूक फूक कर इस पूरे मामले में कदम रख रहा है और वही बच्चों के पोषण आहार की बात की जाए
तो कहीं ना कहीं बच्चों को पोषण आहार तो जरूर दिए जा रहे हैं, और पर स्थितियां ऐसी हो रही है कि जब दूध की उपलब्धता नहीं होती तो फिर से उसको पूरा करने के निर्देश दिए जाते हैं। यहाँ पर कार्रवाई की सख्त से सख्त जरूरत है, क्योंकि हम देखें सबसे बड़ी बात यहाँ पर है बच्चों की हेल्थ के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो प्रोडक्ट खराब है उसे फेंक दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार का पैसा भी जा रहा है और बच्चों की हेल्थ पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर जुड़ने के लिए। सागर के